प्याज डाल दिया है और थोड़ा सा तेल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पीनट, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। उसके बाद राई, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। इसमें डालेंगे चावल, हम चावल डाल रहे हैं। इसको धीमी आंच पे थोड़ा पकने के बाद हम पानी डालेंगे, तब हमारी खिचड़ी का स्वाद अच्छे से बढ़ जाएगा। सिंपल सी है, इसमें कुछ डाला नहीं है। जो हमारे पास है वही दाल, चावल, पीनट है, प्याज और थोड़ा सा मसाला। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं। हमारी रेसिपी इसको अभी पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक के। खिचड़ी पक के रेडी हो चुकी है, बस अब टेस्ट करने की बारी है। हमने शॉर्ट टाइम में खिचड़ी बना के रेडी कर ली है। अगर आप घर पे अकेले हो तो ये डिश आपके लिए बहुत आसान है। सिंपल खिचड़ी है, इसमें कुछ वेजिटेबल वगैरह नहीं डाला है। प्याज और पीनट ये तो आपको बता ही दिया था, ऊपर से नींबू डाल के इसका स्वाद देखते हैं। जितना सोचा था उससे अच्छा ही है। बहुत बढ़िया बनी है। बैचलर लाइफ में टाइम पे खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अगर खुद से बना के खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। के रहने से अच्छा कुछ अपने हाथ से बना के खा लेना बेटर है।